नमस्ते भाई। कल ही रात को तेरी बीवी हमारे हाथ लगी। हमें खबर मिली थी कि पुणे में अपने चाचा के घर तूने उसे छुपा रखा है। ये ही देखने के लिए तुझे अब तक जिंदा रखा था। मुझे धोखा देगा तू? मेरा ही नमक खा करके कमीने, मुझे जान से मारने की प्लानिंग करेगा तू? तेरी बीवी इस वक्त पेट से है ना? कल रात ही पता चला। लड़कों ने बताया। अब मारो इस साले को, इसे देखने दो, बाद में इसे भी मार देना। नहीं बोला। पंद्रह साल की उम्र में मैं मुंबई आ गया था। हाथ में सिर्फ 60 रुपए थे। आज मेरे पास खुद की टाटा इंडिका कार है, ट्रैवल चलाता हूँ अपनी। बैंक में 2 लाख रुपए हैं। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाकर जोड़ा है। OMO एक बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वो कंपनी उनके स्टाफ को रोज़ पिकअप और ड्रॉप करने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। बस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ लग गया ना, तो मैं अच्छे तरीके से सेटल हो जाऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सब रट के आए हो। प्रिया को मैं 1.5 साल से जानता हूँ। मैं 1 साल से उसे प्यार करता हूँ। आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूंगा। थैंक्स। अचानक क्या फैसला लूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल शास्त्री नगर मुझे काम से जाना है। मैं बस निकल ही रहा था, इसकी माँ ने मुझे अचानक बुलाकर अभी तुम्हारी बात मुझे बताई। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। थोड़ा टाइम दो मुझे, सोच कर बताता हूँ। ओके सर। वो ना, मैं इसी साल शादी करके सेटल होने की सोच रहा था। मैं आपकी बेटी को सिंसियरली बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी वजह से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आप बस राजी हो जाए तो काफी है। जो भी बात हो बता दीजिएगा। आपकी पसंद के एक अच्छे लड़के को देखकर प्रिया की शादी उससे करवा देना। मेरी पसंद की लड़की देखकर मैं शादी कर लूंगा। फालतू में टाइम किस लिए वेस्ट करें हम? ये क्या दीदी, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहता है कि प्रिया को 1.5 साल से जानता हूँ और 1 साल से प्यार कर रहा हूँ। ये सब तुम पहले से जानती थी? तुम ऐसे ऐन मौके पर आकर बताओगी? ये सब घर में चल क्या रहा है हा? अगर ना कहोगे तो किसी और लड़के से शादी करवा देंगे। मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। क्या है ये प्यार व्यार सब हा? मैं आपके लिए टिफिन तैयार कर दूं? ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझे क्या बता रही हो? मुझे क्या पागल समझती हो क्या? प्रिया। क्या है? तुम्हारे पापा शास्त्री नगर जाने वाले थे ना, अब ऑटो का खर्चा क्यों करना? मैं छोड़ देता हूँ ना, बोल दो उनको किराया आधा देंगे तो भी चलेगा। आधा किराया ही काफी है। वाह, क्या पसंद है तुम्हारी। तू अपना रंग देख और मेरा रंग देख, चाहे शहर में कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन तेरी माँ तो अब मर गई है ना। अब सहा नहीं जा रहा है, बड़ी शर्म से महसूस होती है। अभी भोला जिंदा है, मेरा एक ही बेटा है, मेरे सहारे के लिए वही काफी है। Ha 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 ha
कुमार, कुमार क्या हुआ? एक मर्द हमेशा चाहेगा कि सिर्फ वो ही हमेशा आगे बढ़े। एक औरत को आगे बढ़ता हुआ देखकर एक पति को कभी खुशी नहीं हो सकती। औरत चाहेगी कि वो अपने भाई बहन की हर खुशी को पूरा करे, वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करे। आखिर उसकी भी कोई खुशी होती है, लेकिन अपने देश की संस्कृति कुछ और ही है। अचानक पॉज का बटन क्यों दबा दिया तुमने? तुम और भोला दोनों भाई हो कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। क्या हुआ शिवा? सोचकर बताएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। इसमें सोचने जैसा क्या है? वो ऊंची जाति के है ना। बुलशिट। उसने पढ़ाई भी ऊंची की है और मैं पांचवी फेल। पढ़ा लिखा दूल्हा क्यों ढूंढते हैं? एक अच्छा काम करे इसीलिए ना। तुम तो अभी अच्छा काम कर लेते हो। वो आईटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तब तो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। ओके शिवा, सब ठीक हो जाएगा। पता है। बाय। बोलो प्रिया। मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर पर। ओ गोपाल, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। उठना, उठना यार, देख तो कौन है, उठना गोपाल, उठ तो। कोई बात नहीं, इन्हें सोने दो ना। कल रात बहुत लेट आया था ना, सुबह काम पर भी नहीं गया। ओए गोपाल, ओए। अरे भाग चमेली, तेरा पति आ गया। क्यों रे, प्रिया से शादी करके शिवा खुश रह पाएगा क्या? उसके बाप की शक्ल देखी है तूने? थोड़ी सी नजर हट गई ना तो हमें ही बेच कर खा जाएगा वो आदमी। वेलू, तूने बिल्कुल सच कहा था यार, उसकी फैमिली में किसी के भी चेहरे पे कभी मुस्कान दिखी है? छे, आज भी पानी नहीं आया। कोई बात नहीं, कल नहा लूंगा। अबे देख तो सही, घर में कौन आया है? सॉरी प्रिया। क्या हुआ प्रिया? पापा मान गए, पापा मान गए, यस। तुम्हारी कुंडली मांगी है। आ? अगर हम दोनों की कुंडलियां मिल गई ना, तो इसी महीने का शुभ मुहूर्त पक्का कर देंगे। तो कोई शर्त भी रखी होगी? नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं रखी है, ऐसे ही मान गए। लेकिन फिर भी हम दोनों क्यों गलती करें? ये लो, लो, ये मेरी कुंडली है। तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन रिस्क क्यों ले? तुम किसी अच्छे से ज्योतिषी से मिलकर इस कुंडली से मिलती हुई एक नई कुंडली बनवा कर ले आओ। शादी करना है तो करिए, वरना कोई बात नहीं। ये बात तुमने सोच समझ कर कही थी ना, बस उसी से मेरे पापा इंप्रेस हो गए। जीनियस हो तुम तो। अच्छा, मैंने सोच समझ कर बोला। क्या वो भी? ओए। ए, क्या कर रही हो? ठिकाने लगा दूंगी, याद रखना। क्या हुआ? तुम्हारी फ्रेंड्स देख रहे हैं ना? अरे नहीं यार, वो लोग इतने बदतमीज नहीं है। फुल एंड फुल के एक्सपोर्ट ऑर्डर पर भरोसा करके मैंने ये फैक्ट्री शुरू की। बीफ और मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर कीमा बनाकर पैक करने वाली मशीन है। अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं खोली है। बोलने वाले तो बहुत लोग हैं कि आप पैसे लगाइए मुनाफा मिलेगा, लेकिन मौका आता ही हाथ पीछे खींच लिया। मैं कहीं का नहीं रहा। हुई, हुई, हुर, 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 अरे सब जानवर एन मौके पे यहीं छोड़ जाता है। हुर, हुर। ये जगह ऐसे ही पड़ी है, बस एक वॉचमैन छोड़ रखा है, सुअरों को भगाने में लगा रहता है वो भी। जानते हैं सर? हाँ। सर, भोला ने एक लड़की रखी हुई है। हाँ। क्या आपने देखी है? इस एरिया में उस लड़की को देखने वाला एक मैं हूं, वो भी अंधेरे में देखा था। उस तरह की खूबसूरती तूने आज तक नहीं देखी होगी। फिल्म स्टार भी क्या दिखते हैं, भिखारी लगेंगे उसके सामने। क्या सुंदर है, क्या रंग है, ऐसी दिखने वाली लड़की
उसके साथ कैसे चले आई यही सोचता रहता हूँ मैं तो। उसने उसे जिस बंगले में रखा है ना, वो भी किसी सेठ से छीना हुआ है। भोला कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हफ्ते में दो दिन तो उस लड़की से जरूर मिलता है। अरे कुमार तुम यहाँ कब आए? आओ, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, पर तुम आए हो करेक्ट टाइम पर। पार्टी बस अब शुरू होने वाली है। बोला अभी अंदर ही है, चलो चलते। अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है? अगर मेरा भाई चाहे तो तू एमएलए है, और अगर ना चाहे तो बस दो ही मिनट में तेरी जिंदगी राख हो जाएगी। मेरे भाई के बारे में और उस लड़की के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो सुनना, सुबह एयरपोर्ट की सवारी के लिए तुम जाओगे क्या? हाँ चला जाऊंगा। तो फिर यहीं सो जाना ना। हाँ मैं चलता हूं, दो दिन से सोया नहीं हूं, आंखें जल रही है मेरी। अब तो ठंडी हो चुकी होगी, अब क्यों पी रहा है? 6 रुपए एक चाय की कीमत, 6 रुपए कमाने के लिए मैं किसी जमाने में दर दर की ठोकरें खाता था। चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई। ब्रोकर आया था आपसे मिलने, बोला कोई घर देख रखा है। क्या भाई, नया घर लेने के लिए प्रिया ने कहा है क्या? मैंने लड़कियों की बात कभी मानी है क्या? घर देखने के लिए गए थे ना, क्या हुआ? तुम्हारे पापा शादी के लिए हाँ तो बोले पहले। कुंडली कब बनेगी? बस दो दिन और। किसी अच्छे से ज्योतिषी से ही बनवाना। हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं क्या, जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? ठीक है। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, वो भी इतनी रात को? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम कहो तो मैं घर छोड़ सकता हूं। मेरे पति एक हफ्ते से गायब है शिवा, मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, फोन करो तो नॉट रीचेबल आ रहा है। उन्होंने एक भाई से थोड़े पैसे उधार लिए थे, वापस नहीं दे पाए, शायद वो लोग ही उन्हें उठाकर ले गए होंगे। हाथ में पैसे लेकर 4 दिन से घूम रही हूँ, पता नहीं मैं कब उन्हें दोबारा देख पाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिवा, जानबूझकर वो लोग मुझे सता रहे हैं। उस भाई का नाम क्या है, इसी एरिया का है? भोला, भोला से ही उन्होंने पैसे लिए थे, उससे मिलने की कोशिश कर रही हूं, नहीं मिल पाई। ये मेरे दोस्त का घर है, वो भोला के लिए काम करता है। नहीं शिवा, रहने दे, लफड़े में मत पड़। लाचार लड़की है, मैं 2 साल से जानता हूं उसे, लव मैरिज की थी, बेचारी मायके भी नहीं जा सकती, 4 महीने का बच्चा है उसका। सब इसके पति की ही गलती है, 2 महीने के लिए पैसे उधार लिए थे लेकिन 1 साल से घुमा रहा है, जब उसे धमकाया तो पुलिस के पास चला गया, इसलिए भोला भाई को गुस्सा आ गया। उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है यार, सेटलमेंट करना चाहती है वो। मदद करना यार। देख शिवा, तू भोला भाई से ऐसे नहीं मिल सकता है,
कसाई शेखर को तू जानता है ना, वो भोला भाई का राइट हैंड है। कल सुबह उसकी दुकान पर आ जा, इस लड़की को भी लेके आना। शिवा चल, चलो भाई। ये अभिषेक की वाइफ है सर। अभिषेक बच्चन की वाइफ है। गणेश मंदिर के पास जिसकी मेडिकल की दुकान है ना, उसी अभिषेक की वाइफ है। तो सिर्फ अभिषेक क्यों बोला, बता। इसके पति ने भोला भाई से कुछ कर्ज लिया था, उसी के सेटलमेंट के लिए आई है ये। कहां से चाय लेकर आया रे, नाले का पानी लग रहा है ये। तू कौन है? मेरा नाम शिवा है, ट्रैवल्स कंपनी चलाता हूँ भाई, हमारे एरिया में ही रहता है। ये लड़की तेरे क्या लगती है? पहचान की है। कैसी पहचान? कस्टमर है। तू ट्रैवल्स चलाता है, ये तेरी कस्टमर है, बस इतना ही ना, और तो कुछ नहीं है ना? तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? तेरा शर्माना देखकर तो मैं कुछ और समझ बैठा था। कितना लाई है? 1.5 लाख रुपए लाई हूं। ए बादशाह जी भाई, थाल में नमक लगा कर रख, खराब ना हो जाए। ठीक है भाई। तू रात में अपने पति को खुश रखती थी ना? ला सुपारी दे। तेरा पति को हमारे आदमी ने नहीं उठाया, किसी ने गलत बताया तुझे। तेरा उससे झगड़ा हुआ था, तू ठीक नहीं थी या फिर वो ठीक नहीं था, कौन जानता है। तेरा पति किसी और को लेकर भाग गया होगा, ठीक से पूछताछ कर ले। ओए ट्रेवल्स, ले जाए इसे। ये क्या शिवा, अभिषेक को इन्होंने नहीं उठाया? ज्यादा पैसे मांगना चाहते हैं। क्या हुआ, कुछ पूछा क्यों रहा है? कुछ नहीं सर, बिना हिसाब लगाए पैसे बता दिए। आप बताइए ना कितने देने हैं? 4 लाख रुपए। इतने पैसे देकर अपने पति को ले जा तू, इतने है ना तेरे पास? ऐसा कुछ नहीं है शिवा, मैं सब जानती हूँ। अभिषेक ने 1 लाख रुपए ही लिए थे, ब्याज वगैरह सब मिलाकर भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। मुझसे बात कर तू। वो क्या है, अभिषेक ने 1 लाख रुपए का ही कर्ज लिया था, ब्याज वगैरह सब मिलाकर भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कह रही है। ब्याज? जब तेरा पति पैसे ले रहा था तब तू सामने थी क्या? एक मारूंगा ना मैं। किसे आकर बता रही है रे, औरतों का तो आंसू टपका देगी तो मैं पिघल जाऊंगा क्या? हमने सब देख लिया है। ए, लेकर जाए इसे। जी भाई। कहीं मैं कुछ करना बैठूं? ले जा। शिवा, चल। दवा दुकान की बीवी, एक काम कर तू, मेरे साथ 1 महीने रह ले, पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, तेरे पति को छोड़ दूंगा। आएगी? सॉरी शिवा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, वो जितने पैसे मांग रहे उतने देने ही होंगे। तू तो उनके बारे में अच्छी तरह से जानता है ना, भोला और उसके भाई के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। शिवा, अब इनकी नजर उस मेडिकल शॉप पर है, 2 दिन और देखेंगे, उनके पैसे नहीं मिले तो वो उस दुकान पर कब्जा कर लेंगे। हेलो भाई, बुला रहे हैं। भाई आ गया। नमस्ते भाई।
तो अभिषेक का कोई रिश्तेदार है क्या? दोस्त हूं सर। देख लो भाई, इस जमाने में भाई बाप कोई नहीं आता। दोस्त की बीवी मस्त देखती है ना। अबे घूर क्या रहा है शेखर? घूर रहा है बोला? अबे घर नहीं पहुंच पाएगा, घूरता है। कॉल डालूंगा। कितना लाया है? पूरे है भाई, 4 लाख रुपए। अभिषेक, ये देखो दीपा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दीपा, देखो तुम रो मत, कुछ नहीं हुआ। अब हम आगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? अरे अरे क्या कर रहे हो दीपा, उठो। क्या कर रही हो? पहले पहले इन्हें सहारा दो, चलो अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत। क्या है? दरवाजा भी नॉक नहीं किया। माँ पड़ोस के घर में गई है, बस साथी ही होंगी। ए, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। नहीं नहीं आ सकती, वहीं से बता दो। जन्मपत्री मांगी थी ना, लेकर आया हूँ मैं। बेड पर रख दो, मैं ले लूंगी। ठीक है, फ्री होने के बाद फोन कर देना, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। रुको रुको रुको, इस ड्रेस में ही कहीं कॉफी का निशान था ना? हाँ? ये क्या? अच्छा, कुंडली कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दो, माँ बस आने ही वाली है। ए! अरे! घर में सिगरेट मत जलाओ, धुआं नहीं जाएगा ना। दोपहर में ऑफिस खाना लेकर मत जाना, रेस्टोरेंट चलेंगे। लेकिन क्यों? ऐसे ही, ये लो 2000 निकलवा लिए कमीने ज्योतिषी ने। अब तो तेरे कहने के हिसाब से जन्मपत्री बनवा ली है, खुश होने की बजाय मूड ऑफ क्यों कर रही हो? जस्ट इमेजिन, तेरे घर में कोई भी ना हो, बस तू और तेरा बॉयफ्रेंड। मेरा बॉयफ्रेंड? लेकिन मेरा भरोसा अभी तक टूटा नहीं है। तूने सिर्फ एक पतली सी नाइटी ही पहनी हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो। अचानक से तेरा बॉयफ्रेंड आ जाता है, खुद को ढकने के लिए तुम्हारे हाथ में एक कपड़ा भी नहीं है। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हें इस हालत में बिना कपड़ों के वो देख लेता हो, कैसा लगेगा तुम्हें? तो इसलिए तू अपसेट है? ऐसा कोई घर में घुसता है क्या? जरा से भी तमीज नहीं है। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है। तो फिर वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखने के बावजूद भी थोड़ा सा भी ध्यान ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? मैं तो बहुत ही इंसल्टेड फील कर रही थी यार। अच्छा तू ही बता, मैं इतनी बकवास दिखती हूँ? मुझे लगा तू अधूरे कपड़े में थी और वो रूम में घुस गया इसलिए तू नाराज है, लेकिन हमारे शहर के लड़कों को लड़कियों की जरा भी कद्र नहीं है ना। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही परमिशन मिली है, पीछे कितने सारे रेस्टोरेंट निकल चुके हैं, हम लंच के लिए जा रहे हैं ना, तो इस होटल के लिए इतनी दूर लेकर आए, दिखने में तो कोई खास नहीं लग रहा। पर यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, चलो आ जाओ। भाई यहाँ देखिए, ये वो जगह है। क्या हुआ भाई? वो ट्रेवल्स वाला आया है। जीवा, कितने लोग हैं साथ में? उसके साथ में एक लड़की है भाई। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो खाना खाने ही आया होगा। लगता है खाना खाने आया भाई, फिर भी उस पर नजर रखना। ठीक है भाई। सुनो, ऑर्डर कितनी देर में ले आओगे? 20 मिनट लगेंगे भाई। ओके। प्रिया, मैं बाथरूम होकर आता हूँ।
अरे क्या छोड़ दिया भाई, इस बार मत छोड़ना। हां इस पे देना भाई, उंगली उंगली गुड गुड गुड। हां यार करता यार बहुत खड़े रे रे क्या यार क्या छोड़ दिया। सीधा डालना। अरे क्या बात है, गुड मॉर्निंग। अरे पकड़ गया यार। सही है, क्या बात है। भाई हाथ को सेंचुरी मार के जाओ। हो गया भाई। देखा भाई अचानक पीछे से आकर मारा। कौन था वो? मुंह छुपा कर रखा था भाई, हम शक्ल नहीं देख पाए। नमस्ते भाई। इस महीने के खत्म होने से पहले आपको खत्म करना चाहते खबर मिली है मुझे। कौन है वो आदमी? कौन है पता नहीं, ढूंढ रहे हैं। आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, एक ही जगह दो दिन से ज्यादा मत सोना। भोला का मटन का गोडाउन यही है, यहीं पर एक हफ्ते तक तेरे जीजाजी को लटका कर रखा था, तेरी बहन को भी यहीं लाकर मार डाला था। बॉडी को कहां दफनाया किसी को पता नहीं। सुनो एक मिनट, जरा रिवर्स कर दो। बस यही रोक दो। ओए नमस्ते सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर प्रकाश के लड़के यहीं कहीं आसपास है, वही दो तीन लड़कों के साथ खोजने आया था मैं। कौन? वो चर्ची प्रकाश? एक साल से उसके और हमारे लड़कों के बीच प्रॉब्लम होती आ रही है, अगले हफ्ते तक भोला भाई को मारने की धमकी भी दी है सर। दोनों जन्मपत्रियां खूब मिल रही हैं। मैंने अपने अनुभव में इतनी उत्तम जन्मपत्री आज तक नहीं देखी। इतनी सटीक है जैसे ये इस जन्मपत्री के लिए ही बनी हो। जानते हैं कितने लोग ये घर लेने के लिए आते हैं? इसमें कोई दोष नहीं है। शादी के बाद आने के लिए ये सबसे बेहतर घर है शिवा। अच्छी लोकेशन है, सब्जी मार्केट भी पास में ही है, अपनी कार भी सामने खड़ी कर सकते हो। तुम क्या बोलते हो? 1000 रुपए टोकन है, बाकी का कल दे दूंगा। मैं जानता था तुम्हें ये घर जरूर पसंद आएगा। अगले हफ्ते रहने आ जाऊंगा। तुम तुरंत मुड़ करके मत देखना, तुम्हारे सामने एक बंगला है, देख रहे हो ना? किसका है पता है? यही वो घर है, भोला की कीप का घर है। तुमने वहां उस लड़की को देखा क्या? कहते हैं कि उस जैसी लड़की इस शहर में नहीं है। कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती, लगता है कि घर में कोई रहता ही नहीं है।
तब तो तुमने उस लड़की को देखने की कोशिश जरूर की होगी। हाँ, मार डालूंगी तुम्हें। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मिठाई का है। कैसी है? तुमसे तो कम ही टेस्टी है। कैसे नहीं होगी, आधे दिन की छुट्टी लेकर मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अगर ये मिठाई अपने किसी दोस्त को दोगे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। उनकी शक्ल और अक्ल दोनों ही बेकार। शादी के बाद तो पहला काम उन्हें बाहर ही निकालना होगा। ए, आज पीली बटरफ्लाई है। मेरा फोन कहाँ है? किचन में होगा। हाँ। घर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। पेंट करवा कर फर्नीचर लगवाएंगे ना तो सुपर हो जाएगा। तुमने अपने दोस्तों को इस घर में एंट्री दी ना तो मैं भद्रकाली बन जाऊंगी। वो लोग यहाँ क्यों आते हैं? उनका अपना भी तो घर है ना। इस घर में घुसने के लिए भोला से परमिशन लेनी होती है। एक बार ना कोई उसे देखने के लिए घर में घुस गया था, भोला ने वहीं पर उसे काट डाला। ये शिवा, घर मस्त लग रहा है यार, जाने से पहले चाबी दे जाना, हम अपना सामान ले आएंगे। हाँ यार, आज ही शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। भोला यहाँ रोज आता होगा ना? सही कहता है यार, मैं भी आज यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। अरे लड्डू, ये लो यार। दे। कहाँ से खरीदा भैया? लाला की दुकान से खरीदा होता ना तो इतना बकवास नहीं होता। कितना खराब लग रहा है। प्रिया तुम कब आई? बस अभी। हाय प्रिया। लड्डू खाओगी क्या? वैसे स्वाद इसका ठीक ठाक ही है, किसी सस्ती दुकान से ले आया होगा ये। नहीं चाहिए। प्रिया प्रिया प्रिया, लगता है प्रिया से कुछ पंगा हो गया है। यही सॉल्व कर लेना चाहिए था, हम दोस्त क्या पर आए हैं। क्या भाई कोई हेल्प चाहिए क्या? तूने लड्डू क्यों खाए? मुझसे पूछा था क्या? क्यों यार? पूछा था, नहीं चाहिए था। पूछा था क्या तूने? बाप मार क्यों रहा है? तू खुद ही बता, लड्डू अच्छे थे क्या? दिल से सच सच बता, तू ही बता। यही कह रहा था ना उस दिन की उसकी बाप की शक्ल ठीक नहीं। बता इसे, बता। रुक रुक, उसके बाप की शक्ल ही ऐसी है यार। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ बोल। अरे जा रहा है। अरे भाई भाई भाई, पीछे पीछे। भाई एक बात बोलूं? बोल। आपको क्या लगता है कि उस दिन वो भोला भाई को मारने आया था? वो मुझे ही मारने आया था, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ था? क्योंकि या तो जान पहचान का होगा या फिर वो इसी शहर का होगा। वो हमारे आसपास ही कहीं पर है, मेरे हाथ जरूर लगेगा। प्रिया अब कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही हो तुम, मेरी बात सुनो। मैंने अपने सारे दोस्तों को मारकर भगा दिया, आगे से वो हमारे आसपास भटकेंगे भी नहीं। जैसा तुम समझ रहे हो वैसे वो नहीं है, शर्म है उनमें। सिर्फ एक बार कहा मैंने प्रिया, तीनों चुपचाप निकल गए वहां से। प्रिया मैं कितनी बार फोन करूं तुम्हें, हा? सुन रहे हो कि नहीं? दीदी फोन ऑन ही है। हेलो हेलो प्रिया। कट करने के बजाय ऑन कर दिया। तेरी लाइफ में इस समय तेरी परेशानी का कारण हम लोग बन गए ना, बहुत दुख हो रहा है यार। अब क्या करना है बता यार, हम लोग है ना। ओए सॉरी की स्पेलिंग बताओ तो। पता नहीं यार। अब क्यों पछता रही हो? कल बहुत बार फोन किया था उसने, लेकिन मैंने ही जिद नहीं छोड़ी।
सुबह से कोई भी फोन नहीं आया। ठीक है, फोन जरूर आएगा, तू खाना खा ले। ओवर एक्टिंग कर दी शायद। हेलो, हेलो, मैं प्रिया से बात कर सकता हूँ? प्रिया, तुम्हारा वुड बी। मैं बिजी हूँ, कह दीजिए ना मैडम। वो कुछ काम कर रही है, अभी बिजी है। वॉट? क्या कहा? आज कौन से कलर की बटरफ्लाई है, जरा पूछिए। प्रिया, आज कौन से रंग का बटरफ्लाई पहना है पूछ रहे हैं? ए, चल गाड़ी रोक। ए, चल चल गाड़ी सरदार। ए, रुक तो। ए, जाड़े रुक। ए, क्या चले रिक्शा? ए, रुक रुक। देख तो इसको। ये वाले लिस्ट करो। ए, 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 रुक। रुक रुक रुक। क्या हुआ बाबा? शिवा तू है? बारिश में गाड़ी नहीं पहचान पाया। ओए, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी जा रहे दो। तू जा शिवा, जा। बात क्या है? तुझे नहीं पता? भोला भाई पर हमला हुआ है। किसने किया? पता नहीं किसने, क्रिकेट बैट से मारा है। बहुत तेज चोट लगी है, बैट के दो टुकड़े हो गए, जिससे दिमाग पर गहरा असर हुआ है। बैट के उन टुकड़ों को तो निकाल दिया है, एक्चुअली इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या हुआ? कोमा में है कुमार। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, कभी भी ठीक हो सकते हैं। अगले 48 घंटों में उठने के चांसेस हैं, तुम घबराओ मत। हाथ स्टीयरिंग पर ही थी, अपने आप खंभे से नहीं टकरा सकती, किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी है। बैट मिला। बाकी नहीं मिला, कहीं फंस न जाए इसलिए कातिल ने छुपा दिया होगा। मारने की तेजी को देखा जाए तो मारने वाला हट्टा कट्टा होगा, और भोला के सर के दाहिनी तरफ ज्यादा चोट लगी है। मारने वाला बाएं हाथ का इस्तेमाल करता होगा। डीजल बॉक्स खराब हो गया है शिवा। दो दिन लगेंगे। ठीक है, कर दे। अरे दीपक, ये डीजल बॉक्स निकाल दे। भोला को उसने बैट से ही मारा है, ये बात पूरे शहर में फैला दो। अगर किसी को भी कुछ पता हो तो आकर खबर देने को बोलो। पैसे मिलेंगे बोल दो। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सर कुमार, पूरा शहर एक कर देगा। एक दो होते तो कोई बात नहीं थी, शहर के हर बंदे के पास भोला को मारने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। अब ऐसे में किस पर शक करें हम? भोला किसी भी समय आंखें खोल सकता है, डॉक्टर ने कहा है। देखते हैं, वो आंखें खोलेगा तो उससे ही पूछ लेंगे। कुमार, हम लोगों को दो लोगों पर शक है, सूरजनगर का प्रकाश और बांद्रा का मूर्ति। ए, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन मैंने मारा भी होता तो मुझे खुशी होती। इसे सड़क पर तेरे दोनों हाथ पैर काट कर टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। अगर हिम्मत है तो बचा ले खुद को, उठाओ इसे। बता। मैं सच बोल रहा हूं कुमार, मैंने नहीं मारा। सर पता नहीं चल पा रहा है, कहीं और मर्डर करके बॉडी यहां नाले में डाल गए हैं। ए, ए, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। लगता है अस्पताल में कोई झगड़ा देख लिया है, डर गई बेचारी। आओ
उसे बुखार भी चढ़ गया, अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रही हूँ मैं। अंदर कमरे में ही है, चले जाओ। ए पगली, उठो। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, डर लग रहा है। धत पागल कहीं की, तुम क्यों डरती हो? गुंडों का आपसी झगड़ा है, उन्होंने मार पिटाई की है तो उससे हमारा क्या लेना देना। चलो उठो। ए, सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कल उस कंपनी के लिए हमारी 4 नई कारें चलेंगी। अब से हमारी लाइफ बदल जाएगी। हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? ए, माँ नीचे खाना बना रही हैं, समझे? थोड़ी देर के लिए, चाहे बिजली क्यों ना गिर जाए, वो ऊपर नहीं आने वाली हैं। तो तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, माँ के वापस आने तक तुम चाहो तो मेरा। हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, शरीफ खानदान से हूँ। तुम्हारा मन हो तो कर लो हनीमून फिर कभी। तुम तो ऊंचे खानदान से हो ना। सोच लो, हाथ में आया चांस ऐसे मत जाने दो। पहले तो तुम अपना वजन घटा लो। चलता हूं। ठीक है, जाओ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तू उस प्रकाश की ही बात ले ले, रोड पर गिड़गिड़ाने वाला। मैं उसके सामने खंजर लेकर खड़ा था, मरने वाला था ये जानते हुए भी। भाई को उसी ने मारा है, ये कबूल करे तो भी मौत, ना कबूल करे तो भी मौत। तू होता तो क्या करता? हाँ, मारा, तेरे भाई को मैंने ही मारा है। तुझे जो करना है कर ले, ऐसा नहीं कहेगा क्या? लेकिन उसने नहीं कहा था, उसी तरह मूर्ति के हाथ में तो गन थी ना। मान ले भाई को अगर उसी ने मारा होता तो वो भाई को बैट से क्यों मारेगा? उसके हाथ में तो पिस्तौल थी ना, गोली नहीं चला देता? मारने वाला कोई और है, हम सबको बेवकूफ बनाकर यहीं कहीं पर घूम रहा है। यही है जिस रात भोला भाई को मारा था, उसके 2 गली बाद ही हमने से रोका था भाई। हाँ, तब किसी पर डाउट नहीं हुआ था भाई, वरना हम उसे वहीं पकड़ लेते। यही है कुमार, कोई डाउट नहीं है। तब से हम लोगों ने कितने आदमी से पूछ लिया, पुलिस वाले ने भी कहा था लेफ्ट हैंड वाला है, ये भी लेफ्टी ही है। टेबल्स वाले के घर पर ताला लगा कुमार, आदमी शहर में नहीं है। और अब कैसा सबूत चाहिए कुमार? भोला भाई पर हमले करने के बाद आदमी भाग निकला है। बोलो कुमार। आप लोग कुछ दिनों तक साइलेंट रहिए, उस ट्रेवल्स वाले का किस्सा मैं देख लूंगा। हेलो वेलो, शिवा कहाँ है? तू खुद ही फोन करके पूछ लेना। फोन नॉट रीचेबल है, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। क्या बात है? भोला भाई को जिस बैट से मारा था वो शिवा की गाड़ी से निकला है।
शिवा की गाड़ी से निकला? सच सच बोल विलू, शिवा ने मारा था क्या? सच बोल विलू, शिवा ने मारा था क्या? शिवा क्यों मारेगा, ये नहीं हो सकता। उसके खिलाफ इनके पास पक्के सबूत है विलू। कुमार तुम सबको पूछताछ के लिए उठाने वाला है, कैसे भी भागने की कोशिश करो, बाकियों को भी फोन करके बता दो। ए, तेरा फोन बज रहा है। ये तो फ्री में पी लेता है भाई, फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। साला कितना पीता है, हाँ? ए, शिवा का दोस्त है ना तू? तूने अपना चेहरा देखा है क्या बे? तू कौन है पहले ये बता, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए, निकल ले। बोला तो मारा गया, और शिवा उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब तो कानून भी हमारी जेब में है। अब देखना किसकी बारात कैसे कैसे निकलती है। ए, तुझे जाने के लिए बोला था ना रे, ए जरा हथियार निकाल दो। वेलू अभी तक पकड़ में नहीं आया, वो तो फैक्ट्री में ही रहता है। गोपाल को पकड़ लिया है ना, मैंने सारी प्लानिंग तो बता दी थी। इस समय पेट्रोल टैंक पर होगा या दुकान पर होगा, वो तो ट्रैवल की गाड़ी चलाता है ना। गोपाल को भी नहीं पकड़ा तो बताओ मैं क्या करूं? उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, उस ट्रेवल्स वाले का पता तो रात तक लगा ही लेंगे हम लोग। कल ही तो मिला था ना, कहां गया होगा वो? कुछ पता नहीं। अगले शुक्रवार को शुभ मुहूर्त है, उसके पापा शादी से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी जायदाद से हिस्सा मांगने आया हूं, मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए। एक बाप की तरह हम दोनों को आशीर्वाद देना चाहें तो आ जाना, वरना आपकी मर्जी, चलता हूं। क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने कहा, इसलिए मैं जाकर बात तो कर आया हूं, अगर इससे ज्यादा शर्त रखेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माय स्वीट हार्ट, ससुर जी ने क्या कहा, आएंगे ना? नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारे पापा शादी नहीं करेंगे? तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो यार, चलो हंसकर दिखाओ। ऑटो कहाँ साहब? घर चलोगे ना? हाँ। भाई वो गणेश मंदिर के पास छोड़ दे। बैठिए साहब, बैठो। ए, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? काम खत्म करके घर जा रहा था। हाँ। आपका सेल फोन काम नहीं कर रहा है? हाँ, वो बैटरी लो हो गई थी, तूने ठीक कर दी? हाँ। ना कार रेडी करके मालिक को पहुंचा दिया, मैं कल आकर ले लूंगा। अरे वहां कहां जा रहे हो भाई, सीधे जाना था। ए, ए! अरे ए!
क्या हुआ शिवा? वो कौन है बे? इसकी आइटम भोला को मारेगा तू? बहुत बड़ा तोप है तू, भोला पर हमला करके तू शहर में जिंदा रह लेगा। मार साला को। पता है तुझे इधर क्या किया? भोला को मारा है, भोला को मारकर बैठ अपनी कार में छुपा के रखा, आज बचेगा नहीं है। मार डाल, मार साला। कहां तक जाएगा कुमार? पूरा रहे तो अपना ही है ना। हरे रंग की टी शर्ट पहना एक लड़का, पिंक कलर की चूड़ीदार पहनी एक लड़की, कोई भी कहीं भी दिखे तो तुरंत फोन करने के लिए बोल। ये मेरा ही है, तुमने मुझसे लिया था ना। प्रिया, ये जगह ठीक नहीं है, चलो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने भोला को क्यों मारा? भोला को मैंने नहीं मारा है प्रिया, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? किसी और का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। ट्रैवल्स गाड़ियां हैं हमारी, हजारों लोग चढ़ते उतरते हैं, जरा सोच कर देखो, कोई भी उस बेड को वहां रख सकता है। भोला को मिलकर ये बात बताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। भाई की दुकान के पास है वो, तो एल शेप रोड है कुमार, एक तरफ ऑटो स्टैंड और दूसरी तरफ टॉस रोड है, दोनों तरफ से घेर लेंगे ना, फंस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा वो। हमारे सारे आदमियों को फोन लगाओ, भास्कर को ऑटो स्टैंड की तरफ से आने को बोल, और हम लोग टॉस रोड की तरफ से जाएंगे। चलो शिवा, हम लोग सीधे किसी पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिवा, तुम अपने घर फोन कर लो, उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए कह दो जल्दी। मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं होगा ना शिवा? ट्रैवल्स वाला यहीं कहीं गली में छुपा हुआ है, कुमार भाई ने हमें ढूंढने के लिए कहा है। हाँ शिवा, कहाँ तुम? बाबा, भोला को मैंने नहीं मारा यार, पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? वो सब ठीक है, तू है कहाँ? भोला को मारकर बैठ अपनी कार में रखकर कार गैरेज में दूंगा क्या? पहले तू बता, तू है कहाँ?
जगह का पता नहीं है, आनंद नगर में कहीं पर हूँ, आसपास में ऑटो स्टैंड है बस। शिवा फंस गया तू, कुमार के लड़कों को पता चल गया तू कहाँ है, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। एक तरफ से भास्कर आ रहा है, दूसरी तरफ से कुमार आ रहा है, उन लोगों के बीच तो फंस गया है। बाबा कुमार से मेरी एक बार बात कराने की कोशिश करो, मैं भोला को क्यों मारूंगा, उससे मेरी क्या दुश्मनी है। अभी कुमार बात करने के मूड में नहीं है, तुझे कुछ पता भी है, गोपाल और सुरेश दोनों को पकड़ कर रखा हुआ है, कुमार सभी को एक एक करके इकट्ठा कर रहा है। बात सर से ऊपर जा चुकी है शिवा। क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? अब आगे गाड़ी नहीं जा सकती कुमार। चलो यहाँ से चलते हैं शिवा। भास्कर वो लोग उधर हैं, चलो जल्दी चलो। चलो 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 चल चलो। कहीं भाग के नहीं जा सकता बे तू, कुमार तेरे पीछे आ गया है। बहुत साले के चर्बी है। सोच रहा था हमसे भाग कर चला जाएगा। क्यों रे? तेरी गर्लफ्रेंड मस्त है, हाथ तो लगाया होगा ना? अपने को बहुत बहादुर समझ रहा है तू। चिंता मत कर, उम्र भी गया तो रख लूंगा तुझे। चारों तरफ से खेल लो इसे। चलो भास्कर, कुमार के आने तक इस कुत्ते को काट डालते हैं। तीन तक गिनूंगा मैं, ठीक है? ठीक तीन जगह पर तीन लोगों को एक साथ बाहर करना है। वन थ्री। शिवा, शिवा, साला ये तो हमारी तरफ आ रहा है। इसके हाथ में तो चाकू है भाई। दिखा लगा हाथ।
पूरा घर वालों को सड़क पर खड़ा कर दिया है तूने। भोला को मैंने नहीं मारा साहब। अरे मेरी बेटी ने क्या किया है? वो तेरे साथ क्यों मरे? तेरा चाहे कुछ भी हो, कोई भी मार डाले तुझे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ क्यों करूँगा? क्यों करूँगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। प्रिया प्लीज, तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ। यहाँ की परेशानी सुलझाकर मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम भी साथ चलो शिवा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे शिवा, वो लोग मार डालेंगे तुम्हें। प्रिया चलो ना शिवा। प्लीज प्रिया चुप हो जाओ, चलो चलते हैं। तुम घबराओ मत, मैं संभालूंगा। प्रिया चलो ना शिवा। चल चल चली बर्बाद कर गाड़ी को। तोड़ दो शीशे, सब कुछ तोड़ डालो। इस शहर में सुबह होने तक उसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुंबई में मत रहो। मैं क्यों यहाँ से चला जाऊँ? मैंने क्या गलती की है? प्रैक्टिकली बात कर शिवा, एक आदमी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। किसी ने हमें देख लिया तो मरे। सुरेश और गोपाल को पकड़ के रखा है यार। उन्हें भी कुछ नहीं होगा, दो चार हाथ मारेंगे। जब तुम्हारा पता वो लोग किसी हाल में नहीं बताएंगे तो थक कर उन दोनों को छोड़ देंगे। तब मैं 12 साल का था जब मेरी मां मर गई। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, उनको मैं शुरू से पसंद नहीं था, घर से भागकर चला आया, कल तक वापस नहीं गया था। यहां मुंबई आने के बाद ही 4 दोस्त मिले मुझे, प्रिया से मिला, एक लाइफ मिली। 4 वॉल्वो बस खरीद कर मेरी कस्टडी में छोड़ रखी है कंपनी ने। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की जानता है तू? अब सब कुछ छोड़कर चला जाऊं मैं? कैसे चला जाऊं? हां मुझे नहीं लगता है कि ये काम उस ट्रैवल्स वाले ने किया होगा। तुझे ऐसा क्यों लगता है? भोला पर जिस दिन हमला हुआ था उसी रात को हमारे लोगों को लेकर ये एयरपोर्ट गया था। रात के 11 बजे थे। इतनी जल्दी वापस आकर भोला को मारेगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है साहब। अब इस परेशानी को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई? भोला को ठीक होना होगा। जब वो खुद ही बताएगा कि उसे किसने मारा तभी तुम लोग बच पाओगे। क्या हुआ सर, अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? सच में भोला को ट्राइबल्स वाले ने मारा है क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे साहब? कल मॉल के पास एक रेड हुई, 6 औरतों को पकड़ा था हमने। उसमें से एक मर्द 2 औरतों के साथ पकड़े गए थे। उन दोनों में से एक के पास भोला का पर्स था। उसका एड्रेस मैंने लिया हुआ है। दो दिन के लिए, जब तक पैसा ना दूं तब तक कमरे में रहना कहा था ना मैंने? भोला का पर्स है ना तेरे पास? मैंने तो मना किया था लेने को। रात के रात तुम लोग इस शहर से बाहर भाग जाओ, अगर शहर में देखा तुम दोनों को तो काट डालूंगा। भाई ये तो आधे ही पैसे है तेरी तो। भोला को तो मार नहीं पाया ना तू, मारा होता तब पूरे पैसे देता। गलती हमारी नहीं है भाई, उस समय पूरे दिन भोला भाई को फॉलो कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था लेकिन हाथ ही नहीं लग पाया। आखिर में वो किसी होटल में चले गए, उस होटल का नाम पंचरत्न था। हम लोग वहीं बाहर खड़े रहकर उनका इंतजार कर रहे थे,
कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो गए। उसकी गाड़ी वहीं पर ही थी। उसके गाड़ी, उसके आदमी सब थे, सिर्फ वो ही नहीं थे। हमने सोचा था वो अपनी रखेल के घर गया होगा, इसीलिए सीधे वहीं जाकर देखा। वहाँ पहुँचा तो ताला लगा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया तो हम वापस चले आए। तभी हमने सड़क पर एक गाड़ी को खड़े देखा। उस गाड़ी के पीछे भोला भाई को किसी ने पहले से ही मार दिया था। हमें लगा कि भोला भाई मर चुके हैं, वरना हम लोग उसे वहीं मार देते। इनसे कितने पैसों में डील हुई थी? 20,000 में, मेरे थे वो सब, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था। भोला का सारा कलेक्शन मैं ही देखा करता था, कहीं पकड़ा ना जाऊं बस यही डर था मुझे, इसलिए पता चलने से पहले ही मैंने ये फैसला ले लिया। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। मुझे तो अब बस पुलिस का ही सहारा लगता है। चल चुपचाप कमिश्नर के ऑफिस या कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देते हैं। कमिश्नर ऑफिस या कोर्ट जाने से थोड़े समय की और मोहलत मिल जाएगी, लेकिन भोला के लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे शिवा। किसी ना किसी दिन वो लोग जरूर तुम लोगों को मार डालेंगे शिवा। छी! क्या यार, ऐसे फंस गए हम लोग, अब यहां से बाहर कैसे निकले? मुझे गाड़ी चाहिए। वो किस लिए? भोला की रखेल को उठाऊंगा। यह मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत रिस्क है। 24 घंटे इनके घर में पहरेदार रहते हैं। मेरे हिसाब से शिवा का यहां रहना ठीक नहीं है। अगर आगे से बढ़कर शिवा ने कुमार या भोला को मार डाला तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। उसके लोग चुप नहीं बैठने वाले। या फिर उसके सारे ग्रुप को तुम लोग मार डालो। हाँ, इस घर में कोई लड़की रहती है, या फिर हवा में फेंकी बातें, या फिर कोई पहेली है इस घर में। लोगों को उससे बातें करते सुना है, लेकिन आज तक किसी औरत को नहीं देखा। भाई 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 भाई, सुनो, इस शहर से बाहर जाने के लिए मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, या फिर भोला के ठीक होने के बाद हम कुछ कर सकते हैं, सोच लो। हेलो हेलो, सुनो भाई भाई, हेलो, सुनो तो सुनो। को मैंने मारा है ऐसा मानकर कुमार मेरे पीछे पड़ा है। अगर थोड़ी समझदारी से काम लेता तो इस बेचारे की शादी हो गई होती। इसकी 15 साल की सारी मेहनत को एक झटके में बेकार कर दिया कुमार ने। मेरे पहचान वालों के घर जाकर कुमार जो धमकी दे रहा है वो उसे बंद करना होगा। मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ना होगा। बीच में कोई दूसरा नया आदमी बात करने वाला चाहिए मुझे। ये सब मैं कहूंगा तो कुमार नहीं मानेगा, तू बोलेगी तो मानेगा। मानना पड़ेगा उसे, क्योंकि तू भोला के लिए कितनी जरूरी है मैं जानता हूं। बेलो, बाबा को फोन लगा। शिवा, भोला भाई मर गए। अभी अभी डॉक्टर ने आकर ये बताया। भोला मर गया। ये क्या कर रहा है यार?
सच्चाई तो सिर्फ भोला ही जानता था ना, अब वो भी मर गया तो तू बेकसूर है, इसका भरोसा कौन करेगा? छी, सोचा कुछ तो और हो, कुछ और क्या शिवा? तेरा दोस्त कहाँ है अगर नहीं बताया ना साले, तुझे किसी औरत के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी भी मैं कौन सा किसी औरत के काम में आता हूँ भाई? तो नहीं बताएगा तू? मुझे सच में कुछ पता बोल नहीं रहा भाई। आ गया इसके घर पर फेंक दो, आज रात तक वो ट्रेवल्स वाला पकड़ा जाना चाहिए। उसे खुद सामने से आकर मेरे पास सरेंडर होना होगा। उसके घर वालों को और उसके सारे दोस्तों को कह दो, ये न्यूज आज रात तक उस ट्रेवल्स वाले को कैसे भी मिल जानी चाहिए, या फिर कोई दो लोग पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर हो जाओ। क्या हो गया मेरे बेटे को? वो खुश नहीं रह पाएगा। ये सब करवा कर वो ना जाने कहाँ छुप गया है। उसके बदले मेरे बेटे को मार डाला मेरा बेटा। हाँ बोल ना, क्या कहा? सुरेश को मार डाला यार। अगर रात तक तू नहीं मिला तो सुबह गोपाल को भी मार डालेंगे, ऐसा कहा है। थोड़े से मार डाला यार। शिवा, मैं तुझे 15 साल से जानता हूँ। इन 15 सालों में तूने मेरी बहुत बार हेल्प की है, मुझसे जितना हो सका वो सब मैंने किया शिवा। अब आके कॉल करवाना रिस्क है, गलत मत समझना। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जान बचाना चाहता है तो शहर से भाग जा, रात में यहाँ नहीं रहना। बेटा, मैं गोपाल की माँ बोल रही हूँ। 4-5 गुंडे घर आकर धमकी देख कर गए हैं बेटा, अगर सुबह तक शिवा नहीं आया तो उसे मार डालेंगे, ऐसा कहा। तुम कहाँ हो बेटा? कहाँ बोलो ना बेटा, कहाँ? पता नहीं माँ, मुझे भी उससे मिले 2 दिन हो गए। अब कौन जाकर उसे ये सब बातें बताएगा बेटा? मैं शिवा बोल रहा हूँ। शिवा, आप चिंता मत कीजिए, गोपाल को कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। चल उतर, चली जाए यहां से। ये ले, इसी रास्ते से तुझे ऑटो मिल जाएगा, घर चल जा। ये क्या किया यार? अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। भोला के लिए वो जरूरी थी, कुमार के लिए वो कुछ नहीं है।
तुम ये गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ। घर चला जाओ? क्यों? मैं कुमार से मिलने जा रहा हूं। पागल है क्या तू? अगर तू वहां गया तो तुझे काट डालेंगे। ओए 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 शिवा, शिवा, शिवा रुक, तो शिवा रुक, शिवा रुक जा, शिवा रुक ना, रुक, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, शिवा रुक जा। जब तक मैं उसके हाथ नहीं आता तब तक कुमार तुम लोगों को चैन से नहीं जीने देगा, समझ मेरी बात। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पागल हो गया क्या तू? तू समझ में नहीं आता क्या तेरे को? छोड़ मुझे, छोड़। अब बस हो गया, सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। भोला को मारने वाला कौन है इसका पता लगाने के बाद ही हम बच पाएंगे। बताइए, हो सकता है क्या? वो कौन है और इस समय कहां मिलेगा कौन जानता है? गाड़ी का जो भी किराया हो भर देना। सुरेश की मां से कहना कि मुझे माफ कर दें। प्रिया को बताना कि मैं उसे बहुत चाहता हूं। उस रात वही लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी जिसे अभी भी उतारा हमने, भोला की रखेल। जब भोला पर हमला हुआ था वो मेरी गाड़ी में थी। क्या हुआ बेटा? वो हनुमान मंदिर तक छोड़ दोगे बेटा? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ी मदद करो बेटा, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, बैठ जाओ। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं। क्या हुआ बेटी, आना या नहीं? वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी ना, तो फिर उस रात क्यों निकली वो? वो भी अपना मुंह छुपाकर, ताकि कोई उसे देख ना ले। यार शे, हाथ में आई मुर्गी भाग गई यार।
दो घंटे इंतजार करोगी तो यहाँ से हर शहर के लिए बस मिलती है। तुम्हें जहाँ जाना होगा बस में चढ़ जाना। मैंने देखा तो भोला की लवर गायब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया। ऊपर आया तो बैठी रो रही थी, मुझे शक हुआ तो चार पांच थप्पड़ मारे तो क्या क्या बक रही है। भोला भाई को उसी लड़की ने मारा है। मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं जाती थी, मैं उसे देखकर डर गई, मेरा तो गला ही सूख गया। उस दिन सड़क पर कोई नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था, वहां रुकने पर डर लग रहा था और जगह से मैं भाग निकली। थोड़ा आगे गई तो तुम्हारे कुछ आदमी वहां पर बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे, उनके हाथ अगर वो लड़की लग जाती तो उसकी इज्जत को खतरा था। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ था, एक मिनट के लिए उस लड़की के बारे में सोचकर मुझे दया आ गई थी। एक पुतले की तरह वो बेचारी वहीं पर बैठी हुई थी, वो मुझे जरा भी पहचान नहीं पाई थी। मैं उसे अपने साथ घर वापस ले आई थी। उस लड़की का हार भी इसी के पास है भाई। मैंने गलती की, उस रात को भोला भाई आएंगे ये कोई नहीं जानता था, बहुत पिए हुए थे और इस लड़की को पेट में बहुत दर्द था, रो रही थी बेचारी, डॉक्टर के पास उसे दिखाने ले गए थे। भोला उस दिन उस लड़की को लेकर बाहर गया था, ये तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला? भोला भाई ने हमें स्टेशन तक एक काम के लिए भेज दिया था। क्या हुआ है इस लड़की को? पेट में दर्द है, दो दिन से परेशान है, इसीलिए डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। तब से उसने बैट को हाथ में ही पकड़े हुए रखा था, मैंने भी उसी वक्त देखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मालिक, उस ड्राइवर को जरा भी पता नहीं चल पाया। ओ शिवा, तूने कहा था ना उस लड़की के साथ एक औरत भी थी, उस घर में एक नौकरानी भी है भाई। तूने जिसे देखा, अगर वो वहां की नौकरानी निकली तो पक्का भोला को उसकी रखेल नहीं मारा है। अगर नौकरानी हमें मिल गई तो मामला सॉल्व। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए जी, ट्रैवल वाले ने मारा यही समझ लो, और इसको कहीं ले जाकर खत्म कर दो इसे। भाई वो लड़की कौन है भाई? कभी कोई फिल्म स्टार या नीता की लड़की बताता है उसे? ए! कुमार को पता चलने से पहले इसे खत्म कर दे। एक काम तो ढंग से कर ले, तो उसे हर बस स्टैंड में जाकर ढूंढो। बैंगनी रंग की साड़ी पहने किसी लड़की को देखा तुमने? बैंगनी रंग की साड़ी? हाँ हाँ भाई, अभी उसे बस स्टैंड पर छोड़कर आ रहा हूं। चल जल्दी चल। ये क्या हुआ इसे? भोला को मैंने ही मारा है, कुमार से कह देना, तुम लोगों की परेशानी सुलझ जाएगी। भोला को मैंने ही मारा था, मुझे लगा था वो मर गया होगा। मैं समझी कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, ट्रैवल्स वाले की गाड़ी में मैंने ही बैठ डाला था, शिवा का इस खून से कोई संबंध नहीं है। कुमार इतनी देर तक उस ट्रैवल वाले के साथ ही रही है, वो कौन है अगर उसे पता चल गया तो परेशानी हो सकती है। कौन है ये? फिल्म वाली तो मुझे नहीं लगती है, मुझे तो इसका फोन पर बात करना भी गलत लग रहा है। इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है यार, ये भोला को क्यों मारेगी? दोनों के बीच में प्यार था। वो कहां पर है कुमार? विजयनगर में है, वो लड़की मुझे चाहिए, उसके हाथ आते उस ट्रैवल्स वाले को मार दूंगा, समझे? शेखर गाड़ी चला। तुम हो कौन? पता नहीं, मैंने सोचने की बहुत कोशिश की लेकिन याद ही नहीं आता। Thank you.
किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर की लड़की होगी ये सोचकर उठा लाए थे। बाद में पता किया तो जाना कि उसका बाप इंडिया के 22 अमीरों में से एक है। हाँ, दुनिया का 22वां अमीर है वो। साला करोड़पति है। होम मिनिस्टर उसके लिए टीवी में इंटरव्यू देने आया था। तो तुम लोग सोच लो, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हर कोने में छानबीन कर रहे हैं पुलिस वाले, पूरे शहर को खंगाल रहे हैं। बहुत डर लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ तुम इस बार यहाँ मत रुको। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह का इंतजाम करता हूँ। अगर तुमने दो दिन पहले भी फोन किया होता ना, तो अब तक कोई दूसरे रूम का इंतजाम कर दिया होता मैंने। उस लड़की को पिछला कुछ भी याद नहीं है। इसे लाते समय सर पर चोट लग गई थी, उसे इसकी याददाश्त चली गई, इसलिए अब तक जिंदा छोड़ा हुआ है। वरना अब तक तो पैसा वैसा छोड़कर कब का मार डाला होता। मैं सोच रहा था कि इसे किसी सुनसान रोड पे छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ इंडिया छोड़कर कहीं और चला जाऊं। तेरा घर कहाँ है? मैं तुझे घर तक छोड़ूंगा। अपनी भाषा अच्छी तरह जानती है। बाप की इकलौती बेटी है ये, उसकी दौलत की इकलौती वारिस। अमेरिका से पढ़कर पिछले हफ्ते वापस आई है और अगले हफ्ते इसकी शादी है। भाई भाई इंस्पेक्टर। हेलो, शूटिंग ऑर्डर कैंसिल हो गया भोला, तुम वापस आ सकते हो। उसे ज्यादा दिन तक मत रखना। जब आपका दिल भर जाए मार डालना, क्योंकि जब तक रखोगे रिस्क है। क्या उखाड़ लेंगे वो? हाँ, एक बात समझ लो, कहीं भी कोई भी क्राइम हो तो पुलिस वाले देखते हैं कि कहां से फायदा होगा। और तो और, आसपास के दुश्मनों से पूछेंगे किसने क्यों किया होगा, छानबीन होगी। हम तो बिना किसी वजह के उसे उठा लाए हैं। अब तक तो दिल्ली वालों का सर घूम चुका होगा, कौन ले गया किसी को पता नहीं होगा। इंडिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं और इनकी इकलौती लड़की, बड़े बड़े फिल्म वाले, करोड़पति या ऑफिसर, इन लोगों को चाहकर भी पुलिस नहीं छू सकती, क्योंकि इनकी पहुंच ही अलग है। उसे यही घर के अंदर रखूंगा, उसी में मजा है। तुझे क्या पता बेवकूफ कहीं का। अगर वो लड़की चाहती तो कब की भाग गई होती। हमें फंसते देखकर छुड़ाने के लिए वापस आ गई वो। कुमार उसे जरूर मार डालेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इसने उसके भाई को मारा और वो अब इसे जिंदा चाहता है, और बीच में हम लोग फालतू में ही फंस गए यार। वो लड़की कहाँ है? पहले मेरे दोस्त को छोड़ दे कुमार, सुबह छोड़ने को बोल दूंगा। अभी बोल, मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। शेखर, उस ट्रेवल्स वाले के दोस्त को बाहर जाने दो। भाई को मारने वाला ट्रेवल्स वाला नहीं है, कोई और है। मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, तुम पीछे पीछे आओ। मुझसे अब उसका चेहरा नहीं देखा जाएगा, बेचारी। इन्हें तो लेकर जा, अंदर आओ। ए, तू ले जा। चलिए जीवा। क
कहाँ है रे वो? यही है भाई। मुझे जल्दी से मार दो कुमार। बाहर जाबे। हम घर जा सकते हैं ना अब? है जाना, पहले बाहर जा, आते हैं। जा। मैं कौन हूँ कुमार, बस इतना बता दो, उसके बाद तुम मेरे साथ कुछ भी कर लेना। मैं दोनों को टपका कर वापस आता हूँ, जा। कुमार, मैंने गाड़ी मंगवा ली है, लाता ही होगा। हे, वो ट्रेवल्स वाला कहाँ है? तुम लोग अंदर क्यों बैठे हो? बाहर निकलो। प्रकाश, जीवा, कुमार, सब टायर पंचर कर दिया है कुमार। अरे यार, यार सिग्नल भी नहीं है, प्लान बना कर हमें यहाँ लाया है। कुमार, यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, चल चलते हैं। थत, शर्म नहीं आती तुझे? एक आदमी से डर कर ही जगह को छोड़कर भाग रहा है। गेट पर ताला लगा है कुमार। हथियार निकाल। शिखर तुरंत टाइम पर आ गए और उस लड़की को लेकर वो लोग चले गए। मैं जुहू में अपने दोस्त के घर चला गया, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। हवालात में पूछताछ करने पर यही बताया इसने, भोला को मारने वाली वो लड़की ही थी, ये बात उसने खुद बताई। ये कुमार कहां गया है पता नहीं, बस यही प्रॉब्लम है। कुमार को किसी और ने तो नहीं मार दिया? कुमार के अलावा बाकी के 8 लोग भी गायब हैं। कुमार को अगर किसी और ने मारा है तो बाकियों की बॉडी का क्या हुआ? 8 लोगों की बॉडी को डिस्पोज करना कोई मामूली बात नहीं है सर। लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा? साले, तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। तुझे मारने के बाद तेरी प्रेमिका को पकड़ के ले आऊंगा, उसे उसके परिवार के साथ अपने पैरों पर झुकाकर उसके बाद ही मारूंगा। hey!
आजा। आज तो तू गया, आजा। कुमार को हमने मारा है, ये बात बाहर पता चली तो वो तो काट ही डालेंगे, पुलिस वाले भी नहीं छोड़ेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? मटन को अच्छी तरह से कीमा बनाकर पैक करने वाली मशीन है ये। इसे टॉर्चर करने जैसा कुछ नहीं लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं सर। ओए, खोल दे इसे। भोला से मटन वाला शेखर ने कई बार पैसे चुराए हैं, थोड़ा थोड़ा करके। वो कुमार को पता चल गया होगा, इसलिए उन लोगों की आपस में ही कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आप इस मैटर को छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, हम पता लगा लेंगे। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे मिल लेना। अरे सुनो, इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलता हूँ सर। मुझे तो ये अच्छा आदमी लगता है। वैसे दोनों भाइयों ने पैसा तो बहुत कमाया था, पर अचानक वो गायब कहाँ हो गए? बेचारी वो लड़की, लगता है प्रेग्नेंट है। कहाँ है वो? नहा रही है। शिवा, एक साल पहले हुए हादसे का आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, और इस लड़की का नाम है गायत्री रामकृष्णा। 35,000 करोड़ की इकलौती वारिस श्री रामकृष्णा की इकलौती बेटी है गायत्री। उम्र 21 वर्ष। 27 जुलाई 2011 से गायत्री गायब है। जब वो शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ से अचानक गायब हो गई। आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। लापता वाले दिन एक सफेद रंग की टॉप, नीले रंग की जींस पहनी हुई थी, और गले में एक तोले की चैन और हाथों में 2 सोने की अंगूठी के साथ गायत्री के दाहिने हाथ पर गुलाब के फूल का ये टैटू गुदा हुआ है। तुम हट जाओ। गायत्री, तुम जाकर देखो। हाँ। शिवा,